Good evening, students. Today I am going to explain lesson number 7, Santosh ka Rahasya. That means, what is the main reason for the happiness? Okay, na? Santosh means happiness. Next, this taken by Sankalit. Okay, Ashay. Ashay means intention. Prastut paath ka uddesh yah hai ki सुख और आनंद का आधार संपत्ति या आधुनिक वैज्ञानिक सुविधा ये नहीं बल्कि सहयोग और सहकार भी भावना है, सहकार की भावना है. दैट मीन्स प्रस्तुत पाठ का मीन्स फ्रॉम दिस लेसन उद्देश्य मीन्स व्हाट इज द मीन ये मीन्स सुख और आनंद का आधार, सुख और आनंद का आधार. हाउ वी विल गेट द हैप्पीनेस? ऑल विल थिंक दैट from wealth and aadhunik vaidyanik means only technical issues only, technical uses only we will get all the happiness, but we will get happiness from the sahayog or sahakar, that means cooperation. Okay, na? Sahayog means one to one we should cooperate. Okay, so next राजू और संदीप आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी थे. दैट मीन्स राजू एंड संदीप आर रीडिंग इन द 8th स्टैंडर्ड. ओके, दे आर टू ऑल्सो फ्रेंड्स. राजू नजदीक के रामनगर गांव से बेंगलुरु की शाला में पढ़ने आता था. राजू इज कमिंग फ्रॉम द रामनगर, नियर टू रामनगर वन विलेज, फ्रॉम विलेज टू इज कमिंग फॉर द बेंगलुरु to the school. Okay, na? वह बहुत मेहनती और हसमुख लड़का था. He is very much मेहनती means he is very much hard worker and always he is a smiling face only. He has a smiling face. Okay, na? इसीलिए संदीप को वह बहुत पसंद था. That's why संदीप will like very much for him. राजू अक्सर संदीप को अपने घर भी ले जाता था. राजू always take him to his house. Okay. सो गणेश चतुर्थी का त्योहार था, स्कूल में छुट्टी थी. गणेश चतुर्थी मीन्स यू नो ऑल ऑफ यू, सो डे बिफोर यस्टरडे ओनली वी आर ऑल सेलिब्रेटेड गणेश चतुर्थी. ओके, सो गणेश फेस्टिवल. सो स्कूल में छुट्टी थी मीन्स स्कूल हैज ए हॉलीडे एंड राजू ने त्योहार मनाने के लिए संदीप को अपने घर बुलाया था. राजू कॉल्ड फॉर द संदीप टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल. जब संदीप राजू के घर पहुंचा तो पूजा खत्म हो रही थी. When संदीप came to Raju house ना, that time finishing the puja, okay ना? और सब मिलजुल कर आरती गा रहे थे. All together they are singing a song for the god. जिससे सुनकर संदीप को बहुत अच्छा लगा. संदीप become very happy. आरती के बाद वे सब लंबी कतार बनकर खाने के लिए बैठे. आफ्टर आरती दे आर ऑल सिटिंग इन ए क्यू सिस्टम. ओके ना, कतार बनकर मीन्स इन ए क्यू सिस्टम. वन बाय वन दे सिट प्रॉपरली फॉर द फूड, आई मीन फॉर द लंच. केले के पत्ते पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे. केले के पत्ते मीन्स बनाना लीफ इज देयर ना, इन दैट दे आर ऑल पुटिंग द सो मच फूड. ओके, राजू की माँ काकी और भाभी परोस रही थी. राजू की माँ मीन्स राजू मदर एंड आंटी एंड भाभी मीन्स ब्रदर वाइफ. ओके ना, इतने सारे लोगों को देखकर संदीप ने राजू से पूछा. सो मेनी पीपल आर देयर. सो राजू संदीप एस्क्ड दैट संदीप फर्स्ट संदीप एस्क्ड राजू त्योहार के लिए पड़ोसियों को भी बुलाया है क्या? दैट मीन्स राजू फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल फॉर नेबर्स आल्सो आर यू कॉल्ड लाइक दैट आस्क्ड राजू. अरे नहीं, सिर्फ अपने घर के ही लोग है. नो, दीज आर ऑल अवर फैमिली मेंबर्स ओनली. संदीप आश्चर्य से मीन्स विथ सरप्राइजिंगली संदीप आस्क्ड क्या इतने लोग एक ही घर में? यस, is it true all are one family only like that asked raju. ha isme aashcharya ki kya baat hai, what is the surprise in this? hamare gaon mein
ज्यादातर घरों में इतने ही लोग रहते हैं, दैट मीन्स सो मेनी हाउसेस लाइक दिस ओनली ऑल विल लिव टुगेदर, दैट मीन्स जॉइंट फैमिली, ओके ना, ऑल लिव इन ए जॉइंट फैमिली. संदीप, और तुम्हारे घर में नौकर कितने हैं? संदीप आस्क्ड अगेन, हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन योर हाउस? राजू, नौकर की क्या जरूरत है, हम इतने लोग हैं ना, व्हाट इज द यूज ऑफ द नौकर, यू आर सो मच पीपल ओनली इज देयर ना. सो संदीप, क्या सचमुच, या इज इट ट्रू लाइक दैट आस्क्ड, संदीप आस्क्ड फॉर द राजू. ओके, यू बिकम वेरी सरप्राइज, सी लाइक दिस, ऑल आर सिटिंग टूगेदर फॉर द लंच, एंड देन तभी राजू की माँ ने आकर उन्हें टोका. राजू मदर केम एंड सेड दैट राजू, पहले अपने दोस्त को खाना खाने दो, फर्स्ट यू लीव फॉर हिम टू ईट, बाद में बातें करना, आफ्टरवर्ड्स यू टॉक लाइक दैट आस्क्ड. फिर प्यार से दोनों को परोसने लगे, विद लव एंड अफेक्शन शी सर्व्ड द फूड. उनकी बातें सुनकर संदीप गदगद हो गया, दैट मीन्स ही बिकम वेरी क्वाइट, और अपने परिवार को याद करने लगा, ही स्टार्टेड टू रिमेम्बर हिज फैमिली. ओके ना, देन नेक्स्ट, उसके पिता अभियंता थे और माँ एक महिला समाज की अध्यक्ष, दैट मीन्स हिज फादर इज अभियंता, मीन्स इंजीनियर, ओके ना, ही इज डूइंग इंजीनियरिंग वर्क, एंड माँ मीन्स हिज मदर ऑल्सो doing work in the Mahila Samaj. Adhyaksh means she is in a good position. Okay. Choti behen panchvi kaksha mein padhti thi. That means Sandeep's sister is reading in the fifth standard. Kaksha means what? Standard. Okay. Class. Mata pita apne apne kaam mein vyavastha rahte the. Always their parents will be busy in the work only. Ghar mein teen naukar the. In his house, three workers are there. जो रसोई बनाते और घर का अन्य काम का संभालते थे, वही दे आर मीन्स दे आर मेकिंग ए आई मीन प्रिपेयरिंग ए फूड एंड अदर वर्क आल्सो दे आर डूइंग इन द हाउस. घर के लोग सिर्फ रविवार को साथ मिलकर कुछ समय बिताते थे, घर के लोग मीन्स दिस फोर आल्सो ओनली इन ऑन द संडे ओनली दे आर मीट, ओके ना, दे विल ईट टुगेदर. उस दिन भी अक्सर कोई ना कोई मेहमान आ जाया करते थे, दैट डे आल्सो सम गेस्ट्स विल कम, सो दे आर ईटिंग सेपरेटली अगेन, ओके ना. खाने के बाद वे दोनों दोस्त फिर बातें करने लगे, अगेन दे स्टार्टेड टू टॉक, राजू एंड संदीप दे स्टार्टेड टू टॉक. राजू, तुम रात में किसके साथ सोते हो? राजू आस्क्ड फॉर द संदीप, विथ होम यू विल स्लीप लाइक दैट आस्क्ड संदीप, अकेला अपने कमरे में, और तुम, दैट मीन्स आई विल स्लीप इन माई रूम, एंड देन यू लाइक दैट आस्क्ड संदीप. राजू टोल्ड, मैं तो अपने दादा के साथ सोता हूँ, आई विल स्लीप विथ माई ग्रैंड फादर. रात में वे अक्सर मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं, रात में मीन्स इन night always, aksar means what, always he will tell the story, okay, any story he will say daily, okay. Next, Sandeep, tumhare yahan itne logo ka khana kaun banate hai? Sandeep again asked, see here so many people are there, no, for them who will prepare the food? Raju, ma aur kaki khana banati hai, ma aur kaki, that means my mother and auntie will prepare food. मेरी दोनों भाभियाँ उनकी सहायता करती है. That means our brothers, wives are there, no? They will help them. और घर का अन्य काम भी करती है. Other work also they will only do. हम सभी उनकी सहायता करते हैं. We will also help to them. संदीप, और तुम्हारे पिताजी, काका और भाई लोग क्या करते हैं? That means संदीप is asking for the Raju. Your father and uncle and brothers are there, no? They, what they will do? Raju, pitaji aur kaka kheton mein kaam karte hai. That means my father and uncle will work in the field, okay? And bhai log gai bhainso ki sana pani ke saath phoolon ke bagichon ki dekhbhal bhi karte hai. Our brothers will take care of the gai bhainso, means bullock and bullock and cows, and sana pani means for them they will do in the service, okay, that means
गिविंग ए बर्थ एंड ऑल दे विल डू ओके एंड फूल के बगीचों की, फूल के बगीचों की मीन्स फ्लावर गार्डन ऑल्सो इज देयर, दैट ऑल्सो दे विल टेक केयर. फूलों को बाजार में पहुंचते हैं, दे विल सेंड फॉर द मार्केट, और उनकी बिक्री की व्यवस्था भी देखते हैं. रिमेनिंग ऑल्सो दे विल बिक्री की व्यवस्था मीन्स रिलेटिंग टू दैट वर्क ऑल्सो दे विल टेक केयर. संदीप, क्या वे लोग पढ़े लिखे है? दे आर एजुकेटेड लाइक दैट एस्कड. राजू, क्यों नहीं, मेरे बड़े भाई ने तो कृषि विज्ञान और पशु पशुपालन में डिग्री प्राप्त की है. वाई दे आर ऑल्सो रेड, ही इज रेड इन कृषि विज्ञान मीन्स रिलेटिंग टू फॉर्म दे ही रेड एंड ओके आधुनिक मशीन और विज्ञान और यस पशु पशुपालन में डिग्री प्राप्त की है. दे आल्सो टुक ए डिग्री इन दिस. वे उगाई कटाई के लिए आधुनिक मशीन और तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं. उगाई कटाई मीन्स इन फॉर्म दे विल डू दे विल ग्रो द ग्रोथ नो सो दैट विल फॉर दैट दे विल यूज द टेक्निकल आइटम ओके. वो मैं तुम्हें हमारी डायरी दिखाता हूँ. कम आई विल शो माई डायरी ओके ना. देन नेक्स्ट, संदीप को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके घर में गोबर गैस सोलर ऊर्जा आदि का भी उचित प्रयोग किया जा रहा था. संदीप बिकम वेरी सरप्राइज दैट इन देयर हाउस दे आर यूजिंग द गोबर गैस एंड आदि का भी उचित प्रयोग. अदर्स ऑल्सो आई मीन इन अदर वर्क ऑल्सो दे आर यूजिंग द All the solar woods and all, okay na? Sandeep in sabse bahut prabhavit hua. I become very happy and yaha aakar usne do vishay seekhe. He came to his house na. He learned two things. What is that? Ek to yaha ki padhai ke baad shahar jaakar he naukri dhoondne ki zarurat nahi. That means after reading, we need not to go to the shahar. Shahar means the water, city, okay na? एंड वी कैन वर्क इन अवर विलेज ओनली. अपनी शिक्षा का उपयोग अपने घरेलू कामों को आगे बढ़ाने में करना चाहिए. दैट मीन्स वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम द दिस वन एजुकेशन वी शुड यूज फॉर द अवर हाउस वर्क ओनली. दूसरा, यहाँ की मिलजुल कर साथ रहने से एक और जहाँ खुशी मिलती है. Together if we live, that means if we live in joint family, then we will always be in happy. वही दूसरी ओर अधिक उन्नति भी संभव है. उन्नति means we can get so much income also, okay ना? अपना घर लौट कर उसने अपने, that means Sandeep went to his house back and अपने माता पिता को ये सारी बातें सुनाई. These are all he explained for their parents. और उन्होंने भी निश्चय किया कि दैट मीन्स दे आर ऑल्सो डिसाइडेड दैट अपने घर में भी सब मिलकर काम करेंगे और खाना भी साथ साथ खाएंगे. वी विल टुगेदर वी विल जॉइन एंड वी विल प्रिपेयर ए फूड एंड वी विल ईट टुगेदर. इतना ही नहीं, दिस मच ओनली नॉट, उन्होंने यह भी तय किया कि This another one also they decided what is that आगे चलकर वे भी हर त्योहार को, that means next in future we will also celebrate our festival को अपने बंधु मित्रों के साथ मनाएंगे. We will celebrate our festival with our friends and relations. संदीप के पिता ने कहा, हम अपनी रहन सहन से साबित कर देंगे. That means whatever we have from that we will prove that साबित कर देंगे means we will prove that संतोष का रहस्य मिलजुल कर रहने में ही है. दैट मीन्स संतोष का रहस्य मीन्स हाउ वी विल गेट हैप्पीनेस टुगेदर. दैट मीन्स वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, वी शुड बी लिव टुगेदर, फ्रॉम दैट ओनली वी विल गेट द हैप्पीनेस ओके ना. संतोष का रहस्य मिलजुल कर रहने में ही है. सो दे केम टू नो दिस ऑल ओके ना. सो शब्दार्थ, परोसना खाना देना, गदगद होना आनंदित होना. गदगद होना मीन्स आनंदित होना. देहाती मीन्स ग्रामीण ओके. इस्तेमाल मीन्स प्रयोग. अभियंता मीन्स इंजीनियर.
Okay. This is the seventh lesson.